नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर शनिवार की दोपहर नगर के गौरी शंकर घाट जय माँ भवानी संघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकली शिव बारात में बराती बने युवा झूम कर नाचते गाते भवनाथ मंदिर पहुँचे। दोपहर के वक्त चांदी के भगवान शिव को रथ पर विराजमान किया गया। शिव बारात में सैकड़ों की संख्या में युवाओं की टोली गुलाल और अबीर उड़ाते हुए डीजे पे बज रहे भक्ति गीतों की धुन पर झूमते नजर आए। ढोल नगाड़े और डमरू वादन के साथ निकली बारात में शामिल लोगों की सेवा में जगह जगह जल पानी एवं ठंडई की व्यवस्था आस्थावान भक्तों द्वारा की गई थी। पांडे बाजार में झांकियां, भंडारा और नगर में जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिव बारात गौरी शंकर घाट से निकलकर दलाल घाट, पुरानी कोतवाली, पुरानी सब्जी मंडी, महत्वरगंज, मुख्य चौक, तकिया, पहाड़पुर, ब्रह्मस्थान, करतारपुर होते हुए भवनाथ मंदिर पहुंची, जहां परछन की पारंपरिक रस्म अदायगी के साथ विवाह कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न हो गया। इस दौरान सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान पूरी चौकसी के साथ चल रहे थे। बारात जाने वाले मार्ग पर पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं इस मौके पर नगर के जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे। न्यूज टाइम भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आज शिव बारात निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? नदियों के सीताराम मोहल्ला गौरी शंकर घाट से शंकर भगवान का बारात निकलता है और कालीनगंज होते हुए चौक से मतलब माथवरगंज होते हुए पानीपुरवाली पहाड़पुर तकिया होते हुए भवरनाथ प्रस्थान प्रस्थान की है और बारात में सभी श्रद्धालुओं का रात्रियों के पावन अवसर पे सबको मेरा आशीर्वाद, मेरा नमस्कार। मेरे में जी साहब, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त मिला शंकर भगवान का रात को जाने में और माँ पार्वती शामिल होने में। सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि बात चरमायन पद के प्रत्याशी रमेश जी साहब को सुने। जय भोलेनाथ बाबा की जय। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।